बिहार में लगातार बाढ़ का दंश झेल रहे किसानों को एक तरफ बाढ़ ने तबाही के मंजर को दिखाया तो दूसरे तरफ किसान एक और वजह से भी परेशान है। जी हां, नरकटियागंज अनुमंडल अंतर्गत हजारों किसान जहां एक ओर बाढ़ की मार झेल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बाढ़ आने का फायदा उठाकर चीनी मिल का जहरीला टेमा मनियारी नदी के सहारे बहा दिया गया। मामला कुछ यूं है कि चीनी मिल नरकटियागंज द्वारा बहाए गए टेमा से हजारों किसानों के खेत के धान की फसल जलकर राख हो गई, जड़े तक सूख गई, यहां तक कि किसानों की 2 महीने की मेहनत भी बर्बाद हो गई। बता दें कि चीनी मिल के कामता फार्म से जो पोखरा में जमा किए गए चीनी मिल के जहरीले टेमा को मनियारी नदी में आई बाढ़ के साथ बहा दिया, जिससे नदियों के किनारे बसे लगभग 4 से 5 गांवों में यह पानी जहां जहां घुसा खेतों की फसलों को बर्बाद करता गया। किसान अपना रोना रो रहे थे, लेकिन किसी विभागीय पदाधिकारी द्वारा इसकी जाँच नहीं की गई। यहाँ तक कि चीनी मिल प्रबंधन ने भी इसकी सुधि लेना उचित नहीं समझा। इससे परे चीनी मिल प्रबंधन इस समस्या को लेकर अपना पल्ला झाड़ते दिखे। एक तरफ किसान अपना दर्द बयां कर रहे थे और चीनी मिल अपनी सफाई दे रहा था। किसानों का कहना है कि एक तरफ से चीनी मिल गन्ने की पेराई को लेकर महीनों तक भुगतान के लिए दौड़ाता रहता है, लेकिन दूसरे तरफ हमारे धान की फसलों को भी नहीं छोड़ा। हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए, हमारे खाने के लाले पड़ गए हैं, हमारे बच्चों को पालन पोषण कैसे होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। हमारी 2 महीनों की मेहनत कुछ बाढ़ के में बर्बाद कर दिया, बाकी रही कसर चीनी मिल द्वारा छोड़े गए टेमा ने पूरी कर दी। मैं किसान है। अरे धान उपाय थे सब टेमा का पानी आकर हीर कर हम लोग का सब रूपा नुकसान हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसका बाद क्या बोलते हैं, बाढ़ क्षति से तो पहले हुआ था, फिर बाढ़ आकर फिर जो बचा हुआ था वो भी सब नुकसान हो गया। चीनी मिल कोई मुआवजा नहीं दिया है? चीनी मिल तो मुआवजा कहाँ भी दिया है, हम लोग 3-4 बार उनके पास गए थे, बोलता है तुम्हारा खेत में नहीं छोड़े हैं, अपना फार्म में छोड़े हैं, वहाँ फार्म में अपना पोखरा 20-25 को बना कर बाढ़ आया सब काट कर सब किसानों मान इतना तबाही में है, नहीं सब पूरा फसल गाना आया कर बोलते हैं धान के फसल पूरा नुकसान हो गया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुशील प्रसाद कुशवाहा हुआ। पहले आया था ठीक है, उस समय हम लोग का पूरा फसल नुकसान हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर इस समय बाढ़ आ गया, जो बचा था वो भी नुकसान हो गया। मिल में हम लोग गए हुए थे उस समय, मिल वाला कुछ नहीं किया, समझा बुझा कर हम लोग को घर भेज दिया, हम लोग गए हुए थे उस समय मिल में। क्या नाम है? ठोकरा बारे में क्या कहेगा बात? अरेवा कुंडलपुर और बझरिया 3 गांव के पूरा क्षति हुआ टेमा से। अपने के नाम? अमरिंदर किशोर। सबसे कमी ये है मिल में है, मिल वाले जो है हम लोग के हर साल की यही काम है कि टेमा लिया कर छोड़ देता है, हर साल के हर साल हमारे चलकर देखिए भागड़ा में ज़मीन है कम से कम 200 बीघा ज़मीन में कोई साल फसल नहीं होता है, हर साल अभी देखिए 2 बार टेमा छोड़ दिया है, एक तो हम लोग बर्बाद हो गए टेमा से, दूसरे इतना ना बाढ़ आ गया बाढ़ से नुकसान है, कभी मिल वाले आकर नहीं देखता है कि हाँ हमारे टेमा से नुकसान हुआ है।